वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 कंप्यूटर उसका यहाँ पर चैप्टर है 2 एनिमेशन टूल एंड साइन थिंग उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको एमसीक्यू के बारे में जो है पूरी टोटली यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। जितने भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उसके डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला एमसीक्यू यहाँ पर आ रहा है, मैं डायरेक्टली आपको आंसर यहाँ पर बताऊंगा। विच टूल इज नीडेड टू क्रिएट मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन यूजिंग बिल्डिंग ब्लॉक, तो आंसर आएगा उसमें मल्टीमीडिया ऑथरिंग, ठीक है। तो ये उसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन, ऑथरिंग टूल्स प्रोवाइड द इम्पोर्टेंट फ्रेमवर्क टू ऑर्गेनाइज एंड एडिट द मल्टीमीडिया एलिमेंट्स लाइक, तो उसमें सभी ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ग्राफिक्स, साउंड, वीडियो, एनिमेशन, मतलब कि ऑल ऑफ देम इसका आंसर बनेगा। चैप्टर 1 भी इसका मैंने बना दिया था, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। ये चैप्टर 2 है इस कंप्यूटर का। ओके, तीसरा यहाँ पे एमसीक्यू आ रहा है, इन टू विच ऑथरिंग टूल आर क्लासीफाइड, तो उसमें भी सभी ऑथरिंग टूल को हम कार्ड पेज टूल में क्लासीफाई कर सकते हैं, आइकन में, इवेंट बेस्ड टूल में क्लासीफाई कर सकते हैं, टाइम बेस्ड टूल में क्लासीफाई कर सकते हैं, मतलब कि आंसर बनेगा ऑल ऑफ देम। फिर नेक्स्ट है उसमें क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑथरिंग टूल द एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज एज ए पेज ऑफ द बुक और पाइल्स ऑफ कार्ड, मतलब कि यहाँ पे उसके आंसर आएगा कार्ड और पेज टूल। तो नाम से ही पता चल रहा था कि पेज के अंदर पेज ऑफ बुक जो रहेगा, पाइल ऑफ कार्ड रहेगा, उसमें कार्ड या तो पेज टूल ही इस्तेमाल होने वाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ द कार्ड बेस्ड ऑथरिंग टूल, तो आंसर उसमें आंसर क्या बनेगा, बोथ ए एंड बी, मतलब कि हाइपर कार्ड एंड मल्टीमीडिया टूल बुक उसका आंसर बनेगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑथरिंग टूल द एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज एज ऑब्जेक्ट इन द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क और प्रोसेस, तो उसमें आंसर बनेगा बी, आइकन एंड इवेंट बेस्ड टूल्स उसका आंसर बनेगा, मतलब कि बी वाला ऑप्शन है उसका आंसर बनेगा। फिर 7th वाला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ आइकन एंड इवेंट ऑथरिंग टूल्स, तो उसमें ऑथर वेयर और दूसरा है आइकन ऑथर, ये दोनों उसमें आंसर बनेंगे, मतलब कि सी ऑप्शन सही होगा, बोथ है एंड बी। फिर नेक्स्ट है 8th वाला क्वेश्चन, इन विच ऑथरिंग टूल द एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज अलॉन्ग अ टाइम लाइन, आंसर उसका आएगा टाइम बेस्ड टूल, क्योंकि टाइम लाइन है तो आंसर भी क्या बनेगा, टाइम बेस्ड टूल, टाइम लाइन में यही टूल काम आता है। फिर नेक्स्ट है विच ऑथरिंग टूल इज यूजफुल वैन यू वॉन्ट टू गिव अ मैसेज दैट हैज़ अ बिगिनिंग एंड एंड, तो उसमें भी टाइम बेस्ड टूल ही आएगा बिगिनिंग और एंड में मैसेज देने के लिए। फिर नेक्स्ट है द एलिमेंट्स आर डिस्प्लेड एज पर द टाइम और लोकेशन ऑफ द इवेंट, तो एलिमेंट उसका सही आंसर बनेगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ द टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स, तो उसमें टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल में कौन कौन से है, तो साइन थिंग, पेंसिल, फ्लैश एंड डायरेक्टर सभी है, मतलब आंसर बनेगा डी, ऑल ऑफ देम। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ द आइकन एंड इवेंट बेस्ड टूल, तो साइन थिंग उसका आंसर बनेगा, साइन थिंग उसका टूल है नहीं। पेंसिल कैसा टूल है, तो एक 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। फिर नेक्स्ट है 14 वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द विच 2D एलिमेंट एनिमेशन सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू क्रिएट ट्रेडिशनल हैंड ड्रॉन एनिमेशन यूजिंग बोथ बिटमैप एंड वेक्टर ग्राफिक्स, तो उसमें आंसर रहेगा बी वाला, मतलब कि पेंसिल उसका सही आंसर बनेगा। पेंसिल सॉफ्टवेयर कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम, पेंसिल सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड होता है, तो आंसर बनेगा उसका डी वाला, https://www.pencilanimation.org, वहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वेबसाइट का नाम हमें याद रखना है। पेंसिल सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल फॉर, कहाँ से, मतलब कि कौन सी सिस्टम में ये पेंसिल सॉफ्टवेयर काम करता है, विंडोज़ में काम करता है, लिनक्स में काम करता है, ठीक है, और सब मैक ओएस में भी काम करता है, तो उसमें आंसर बनेगा उपलब्ध है। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है 18 नंबर का क्वेश्चन, साइन थिंग स्टूडियो इज़ द 2D वेक्टर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। फिर 19 नंबर का क्वेश्चन, इन विच ईयर 2D वेक्टर एनिमेशन सॉफ्टवेयर कॉल साइन थिंग स्टूडियो कब रिलीज़ हुआ था, तो 2005 में रिलीज़ हुआ था, हमें याद रखना है, सी ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट है द टर्म GPL स्टैंड फॉर, GPL का फुल फॉर्म क्या है, जनरल पब्लिक लाइसेंस उसका फुल फॉर्म होगा। फिर नेक्स्ट है उसमें 21 नंबर का क्वेश्चन, साइन थिंग स्टूडियो इज़ अवेलेबल फॉर वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक, तो उसमें सभी सिस्टम में वो वर्कआउट करता है, ठीक है, तो ऑल ऑफ देम उसका आंसर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वर्जन ऑफ द साइन थिंग स्टूडियो, मतलब ऑप्शन में से वो वर्कआउट करेगा, 21 में जितने ऑप्शन दिए उसमें से वर्कआउट करेगा। और यहाँ पे 22 नंबर के क्वेश्चन में फर्स्ट वर्जन कौन सा था, तो ये नंबर तुम्हें याद रख लेना है 0.61.05, और जो लेटेस्ट वर्जन कौन सा था, तो लेटेस्ट वर्जन भी हमें याद रखना है 0.6305, ये उसका लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है साइन थिंग स्टोर एनिमेशन इन XML फाइल फॉर्मेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है
जे जिप इज़ द कंप्रेशन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, वो कंप्रेशन डेटा कंप्रेशन करने के लिए काम आता है। फिर नेक्स्ट है 26 नंबर का क्वेश्चन, जी जिप स्टैंड फॉर GNU जिप, मतलब बी ऑप्शन सही होगा। फिर 27 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेप्स टू स्टार्ट द साइनफिंग, तो एप्लीकेशन ग्राफिक्स साइनफिंग, उसमें जाके हम वो साइनफिंग स्टार्ट कर सकते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेप्स टू रीसेट द साइनफिंग स्टूडियो विंडोज टू डिफॉल्ट विंडो अरेंज एलिमेंट अरेंजमेंट, ठीक है। तो टूल में जाके फाइल मेनू, उसमें जाके पैनल, उसमें जाके रिसेट, तो हम जो भी स्टेप्स है उसको रिसेट कर सकते हैं। फिर 29 नंबर का क्वेश्चन, इन साइनफिंग द कंपोनेंट्स इन द यूज़र इंटरफेस आर, तो इंटरफेस मतलब यूज़र इंटरफेस के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, टूल बॉक्स, कैनवास, पैनल, सभी के सभी होते हैं, मतलब आंसर बनेगा ऑल ऑफ देम। फिर नेक्स्ट है 30 नंबर का क्वेश्चन, इन विच विंडो कंटेन द सिस्टम मेनू एंड टूल्स टू क्रिएट द एडिट योर आर्ट वर्क, आंसर बनेगा टूल बॉक्स, मतलब कि ये ऑप्शन सही होगा। 31 नंबर का क्वेश्चन, क्लोजिंग द टूल बॉक्स इज़ द एग्जिट एप्लीकेशन, टूल बॉक्स को क्लोज करना मतलब एग्जिट हो जाएगी यहाँ पे एप्लीकेशन, ठीक है, आंसर बनेगा ए। फिर नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन 32 नंबर का, देयर विल बी टूल बॉक्स कितने होते हैं, तो कि वन टूल बॉक्स फॉर द ऑल ओपन प्रोजेक्ट, एक टूल बॉक्स तो होता ही। इन साइनफिंग टूल बॉक्स हेल्प्स टू सेव द फाइल, क्रिएट द न्यू फाइल, ओपन एग्जिस्टिंग फाइल, सब में काम आता है, मतलब डी ऑप्शन सही होगा ऑल ऑफ देन। फिर नेक्स्ट है उसके बाद वाला, इन टू द टूल बॉक्स कंटेन द जनरल टूल्स लाइक सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रांसफॉर्म, सभी टूल्स कंटेन करता है, ऑल ऑफ देम, आंसर बनेगा। इन हाउ मेनी एरियाज ऑफ द पैलेट्स टूल बॉक्स विंडोज इन सेपरेट, आंसर बनेगा बी, थ्री ऑप्शन सही होगा। फिर 36 नंबर का क्वेश्चन, इन साइनफिंग विच पैलेट और टूल बॉक्स विंडो बटन फॉर द स्टैंडर्ड और फाइल ऑपरेटर लाइक क्रिएट अ न्यू फाइल, ओपन, सेव फाइल, सेव, अनडू एंड रीडू एटीसी, तो कौन सी पैलेट काम करती है, अपर लेवल अपर पैलेट काम करती है, ऑप्शन ए सही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ द विच पैलेट ऑफ द टूल बॉक्स विंडो वी कैन चेंज द फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर, ब्रश साइज एंड ओपेसिटी इज, तो उसमें आंसर बनेगा लोवेस्ट। फिर नेक्स्ट है 39 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑप्शन ऑफ लोवेस्ट पैलेट क्रिएट द फिल एंड आउटलाइन कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, आंसर बनेगा उसमें फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर, ये ऑप्शन सही होगा। 40 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑप्शन ऑफ द लोवेस्ट पैलेट सेट्स द साइज ऑफ द लाइन फॉर द न्यू आउटलाइन लेयर्स, आंसर बनेगा लेयर साइज, बी ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट है 41 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑप्शन ऑफ द लोवेस्ट पैलेट यूज बाय द ग्रेडियंट लेयर्स एज देयर फिल ग्रेडियंट, तो आंसर बनेगा उसमें जो है ग्रेडियंट आंसर बनेगा, ठीक है, ग्रेडियंट लेयर के लिए। तो फिर नेक्स्ट है 42 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑप्शन ऑफ द लोवेस्ट पैलेट डिटरमाइंस द मैनर्स इन द विच द पैरामीटर चेंज, तो इंटरपोलेशन उसका आंसर बनेगा, बी ऑप्शन सही होगा। फिर 43 नंबर का क्वेश्चन, इज द प्लेस वेयर आर्ट वर्क एंड एनिमेशन इज क्रिएटेड, तो टूल बॉक्स में हम क्रिएट कर सकते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, इन द साइनफिंग व्हाट इज द शेप ऑफ द कैरेट, कैरेट का शेप कैसा होता है, ब्लैक ट्राइंगल। फिर नेक्स्ट है 45 नंबर का क्वेश्चन, द एरिया विद द ग्रे चेकबोर्ड पैटर्न इज द वर्किंग एरिया इन विच एलिमेंट और लेयर आर क्रिएटेड एंड मैनिपुलेटेड, तो ये ऑप्शन सही होगा। 46 नंबर का क्वेश्चन, द टाइम लाइन अपीयर्स ओनली व्हेन द यू हैव नॉन जीरो ड्यूरेशन इन द सेटिंग डायलॉग ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब बी ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट है क्लिकिंग ऑन कैरेट, अगर कैरेट बटन पर हम क्लिक करते हैं द कैनवास विंडो मेनू विल पॉप अप द अलाउ एक्सेस टू मोस्ट ऑफ द साइनफिंग फीचर्स, कैरेट बटन पर क्लिक करते ही बहुत सारी फीचर्स जो है साइनफिंग की असाइन हो जाती है, एक्सेस हम कर सकते हैं, ठीक है, तो आंसर बनेगा ए। फिर नेक्स्ट है 48 नंबर का क्वेश्चन, साइनफिंग एज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पैनल लाइक, उसमें लेयर भी होता है, पैरामीटर भी होता है, हिस्ट्री भी होती है, मतलब ऑल ऑफ देम सही आंसर बनेगा। फिर नेक्स्ट है 49 नंबर का क्वेश्चन, ब्लैंक कंटेन द टूल्स एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट, तो पैनल उसका आंसर सही होगा। फिर नेक्स्ट है 50 नंबर का क्वेश्चन, टू मेक द पैनल विजिबल सिलेक्ट फाइल में जाके पैनल, इसको सिलेक्ट करना है, मतलब ए ऑप्शन सही होगा फ्रॉम द टूल बॉक्स, ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। 51 नंबर का क्वेश्चन है, ब्लैंक डिस्प्ले द लेयर ऑफ वर्किंग कैनवास, कौन डिस्प्ले करता है, तो के लेयर में जाके पैनल। फिर 52 नंबर का क्वेश्चन, ब्लैंक पैनल शोज द करंटली सिलेक्टेड लेयर पैरामीटर, तो उसमें आंसर रहेगा बी, परम्स। फिर नेक्स्ट है उसमें, व्हेन मल्टीपल लेयर्स आर सिलेक्टेड ओनली द पैरामीटर दैट आर कॉमन इन द सिलेक्टेड लेयर्स डिस्प्लेड, मतलब कि कॉमन आंसर बनेगा। 54 नंबर का क्वेश्चन है, ब्लैक पैनल शोज द ऑप्शन दैट आर स्पेसिफिक टू द करंटली सिलेक्टेड टूल्स, तो उसमें आंसर बनेगा टूल
उसमें जाके ऑप्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 55 नंबर का क्वेश्चन है, नेविगेटर शो द थंबनेल इमेज ऑफ व्हाट करंटली सिलेक्टेड कैनवास टू लाइक। तो आंसर बनेगा नेविगेटर, मतलब कि डी ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट है 56 नंबर का क्वेश्चन, उसमें विच पैनल कीप्स द ट्रैक ऑफ द ऑल एक्शन दैट आर डन वाइल एडिटिंग द फाइल। तो उसमें आंसर आएगा 56 नंबर का क्वेश्चन, हिस्ट्री पैनल, मतलब कि बी ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट है 57 नंबर का क्वेश्चन, हिस्ट्री पैनल द चेकबॉक्स कॉलम इज यूजफुल टू डिस्प्ले द स्पेसिफिक एक्शन विदाउट गोइंग थ्रू द एंटायर एक्शन लिस्ट, मतलब कि सी ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट है 58 नंबर का क्वेश्चन, इन पैनल द टू विंडोज ऑन द बॉटम एंड राइट एंड राइट आर कस्टमाइजेबल डॉग डायलॉग्स, मतलब कि बी ऑप्शन सही होगा। फिर 59 नंबर का क्वेश्चन, द डॉग्स डायलॉग कंटेन द सेट ऑफ द पैनल विच आर अरेंज इन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, दोनों कर सकते हैं, सी ऑप्शन सही होगा। 60 नंबर का क्वेश्चन, सम पैनल्स आर शेयर द सम स्पेस इनसाइड द डॉग डायलॉग्स विच कैन बी स्विच बिटवीन द देम बाय क्लिकिंग ऑन देयर टैब, मतलब बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्वेश्चन जो है टोटली